गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ये कुछ बच्चे का आया है कमेंट कि सर वो किडनी का स्ट्रक्चर सही ढंग से नहीं समझे हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं समझे, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चा का कि सर वो यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है और वो कहाँ पे होता है, और फिर वो यूरिया या यूरिक एसिड किडनी में कैसे आता है, उसके बारे में जानोगे। सब आदमी जुटो। एक सौ चालीस बच्चा बेटा जुटे हो, अभी से लग जाओ, जी जान लगा दो। हाँ, बताएंगे कहाँ पे यूरिया सबसे ज्यादा होता है और कहाँ पे यूरिया सबसे कम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जानो। और शुरू करने से पहले आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं बेटा, आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, और थोड़ा सा मित्रों के बीच में इसको फैलाओ। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो, सबसे पहले तुमको ये बताते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो क्या होता क्या है, सब आदमी हार्ट के बारे में पढ़े हो, मान लो ये हॉट है तुम्हारा, क्या होता है, सपोज करो ये लीवर है और मान लो ये किडनी है। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, दिखाई दे रहा है? अब देखो क्या होता है, ये देख लो, अब देखो ये हॉट से तुम्हारा वेन आता है, सब आदमी पढ़े हो वेना के आवाज होता है, वो क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके कहाँ हॉट में डालता है, हॉट उसको कहाँ भेज देता है, लंग्स में भेजता है। अब देखो क्या होता है, इसी लीवर में क्या होता है, आप अमोनिया का यूज करते हो, सब आदमी पढ़े हो अमोनिया जो होता है ये NH2CH और यहाँ पर हम R बैठा देते हैं और ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या होता है, ये टूटता है, जब भी आप प्रोटीन का फॉर्मेशन करोगे तो प्रोटीन कैसे बनता है, अमोनिया से बनता है, सॉरी अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड का ये अमाइन ग्रुप यहाँ से टूट के ये क्या होता है NH3 और ये सेल में जो CO2 का फॉर्मेशन होता है और ये CO2 से मिलके क्या बना देता है, यूरिया। ध्यान से देखो, यूरिया या यूरिक एसिड जो भी है। अब ये यूरिया जो है देख लो, इस लीवर के थ्रू कहाँ चलाता है, वेन में चलाता है, तो ये लीवर से जो वेन निकलता है इसको क्या बोलते हो, हेपेटिक वेन। ध्यान से देखो, क्या बोलोगे इसको, हेपेटिक वेन। तो सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होगा, हेपेटिक वेन में। देखो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सबसे ज्यादा यूरिया का कंटेंट कहाँ पे हुआ, कौन से ब्लड वेसल्स में, तो वो कहाँ होगा, वेन, और उस वेन में कौन सा वेन, हेपेटिक वेन, क्योंकि ये लीवर से जो वेन निकलती है तो उसको हेपेटिक वेन कहा जाता है। फिर देखो यहाँ से ये एरोटा निकलेगा, ये फिर ये लीवर को आवेगा, देख लो फिर ये किडनी को, देखो इस तरीके से। अब यहां पर देखो क्या होता है, और ये देखो ये किडनी से जो वेन निकलता है तो इसको क्या बोलोगे, रीनल वेन।
ये रीनन वेन। याद रखो, अब देखो क्या होता है, ये यूरिया और इस वेन के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन कम होता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। अब ये यहां से गया, फिर वहां से कहां चला जाएगा, पुलोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, CO2 निकलेगा और ऑक्सीजन को लेगा, और वो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एरोटा के थ्रू देखो लीवर में आवेगा, फिर वही देख लो वही ब्लड कहाँ आवेगा, किडनी में, किडनी के सेल को चाहिए ऑक्सीजन। अब वो यूरिया देखो उस एरोटा के थ्रू कहाँ आ गया, तुम्हारा किडनी में आ गया। अब ये किडनी में आके क्या होता है, उस यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है जो आपके यूरिन के रूप में निकलता है। तो सबसे कम जो यूरिया कहाँ होगा, रीनल वेन में। याद रखना सबसे हाई कंटेंट जो यूरिया का होगा वो कौन सा वेन होगा, हेपेटिक वेन। और सबसे कम जो होगा यूरिया का कंटेंट वो कहाँ होगा, रीनल वेन में। याद रहेगा बेटा सबसे लो कंटेंट, ये नीट में क्वेश्चन बनता है, याद रखना सबसे कम लो कंटेंट, और यहां पर क्या होगा हाई कंटेंट, ये क्वेश्चन बनता है, याद रहेगा हाई कंटेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, एक चीज और यहां पर समझ लो, ये जो हॉट बीट जो पढ़ते हो तो आप पढ़े हो गए आप कि ये एक मिनट जो हॉट बीट होता है तुम्हारा, तो मोर और लेस 5 लीटर जो है ये क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है। एक मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, वो आर्टरी में भेजता है, तो ये कार्डियक आउटपुट इसको कहा जाता है। अब ये 5 लीटर से देखो ये ब्लड चला तो फिर लीवर में आवेगा, अदर ऑर्गन में भी आवेगा, लेकिन किडनी में जो आता है तुम्हारा रीनल आर्टरी के थ्रू, ये क्या हो गया हेपेटिक आर्टरी, ये हो गया रीनल आर्टरी जो किडनी में आया। तो यहां पर मोर और लेस तुम्हारा 1200 से 1100 ml ब्लड आता है, मतलब इतना ब्लड आता है पर मिनट। तो कहने का मतलब यहां पर है कि वो ब्लड से टोटल यूरिया का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, आपके ब्लड में यूरिया का कंटेंट रहता है, और पर डे जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो मोर और लेस 25-30 ग्राम ऑफ द यूरिया का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया हमने क्या बोला, कैसे यूरिया बनता है, उसी को क्या बोलते हो, वो लीवर में तो यूरिया साइकिल बोला जाता है, वो क्या होता है अमाइनो एसिड का NH2 एमाइन ग्रुप टूट के यहां से हटेगा, तब ना दूसरा एमाइनो एसिड अटैच होगा, तो वो एमाइन ग्रुप जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, यूरिया। पढ़े हो गए यूरिया क्या होता है, ये NH2CO NH2 यही तो है, ये यूरिया हो गया। अब ये यूरिया देखो क्या होता है, उस लीवर से वेन के थ्रू, देखो हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ आ गया, वेन में, वेन से फिर देखो कहाँ आता है, हार्ट में, हार्ट के थ्रू फिर कहाँ आवेगा, आर्टरी में, आर्टरी से फिर देखो इस तरीके से सर्कुलेशन होता रहता है, उसी में से कुछ यूरिया कहाँ आ जाता है तुम्हारा किडनी में। तो टोटल आउटपुट जो हार्ट का है तुम्हारा वो 5 लीटर पर मिनट है, लेकिन किडनी में जो है मात्र देख लो क्या होता है 1100 से 1200, वो उल्टा लिख दिए बड़ा, 1100 से 1200 ml पर मिनट ही क्या होता है ब्लड यहाँ पे आता है, तो उसमें जो यूरिया होगा उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो सबसे कम यूरिया कहाँ पाया जाएगा, रीनल वेन में, याद रहेगा सबसे ज्यादा हेपेटिक वेन में, कोई दिक्कत। अब आ जाओ किडनी के स्ट्रक्चर पे, अब देख लो यहाँ पर एक डायग्राम हम दिए हुए हैं, समानी पर है, किडनी क्या होता है बीन शेप्ड होता है, ये जो एलोई से स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये एक्चुअली क्या है एड्रिनल ग्लैंड है, ये ऊपर जो देख रहे हो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड।
तब देखो थोड़ा किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझो, तो किडनी का स्ट्रक्चर जो समझोगे देखो तो ये बीन शेप्ड होता है, ये देखो ये किडनी का शेप है बीन शेप्ड, ये देखो ये किडनी का आउटर लेयर है, सवादी पर है आउटर लेयर क्या होता है, एपिथेलियल सेल होता है, लेकिन ये किडनी जो है तुम्हारा पैक्ड होता है एडिपोज टिश्यू से। तो पूरे बॉडी में देखोगे तीन ऑर्गेन है आपका व्हिच आर पैकिंग बाय द एडिपोज टिश्यू, एक तुम्हारा किडनी आता है, दूसरा हार्ट और तीसरा आई बॉल, ये हमेशा याद रखना। तो देखो ये देखो ये एडिपोज टिश्यू होता है इस तरीके से, फिर उसके ऊपर एक लेयर होता है, तो ये क्या है, एडिपोज टिश्यू, समझ रहे हो मेरी बात। तो पूरे बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू इज नथिंग व्हिच स्टोर द फैट, वाई ड्रॉपलेट क्या होता है, ये सेल देखो ये इस तरीके से होता है, और इसमें ये इस तरीके से ये क्या है, वाइल्ड ड्रॉपलेट, और इस वाइल्ड ड्रॉपलेट के चलते क्या होता है, न्यूक्लियस किनारे में आ जाता है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। तो तीन ऑर्गेन हार्ट किडनी एंड आई बॉल व्हिच आर पैकिंग बाय द एडिपोज टिश्यू, ये प्रोटेक्टिव लेयर है आपका, ठीक है यहां तक। अब देखो ये किडनी जो है दो भाग में बटा होता है, सबसे आउटर जो पार्ट होता है क्या बोलोगे इसको, कॉर्टेक्स, और ये जो पोर्शन देख रहे हो ये यहां से यहां तक क्या बोलोगे इसको, मेडुला। देखो यहां डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देख लो ये पोर्शन है कॉर्टेक्स, और ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये वाला पोर्शन ये आपका मेडुला रीजन है, ठीक है। अब यहां पे देख लो क्या होता है, इस मेडुला में क्या होता है, कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो किस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, ये कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहा जाता है
मेडुलरी पैरामीटर, ध्यान से देखो ठीक है। अब ये मेडुलरी पैरामीट के बीच में जो गैप देख रहे हो तो क्या होता है, ये कॉर्टिकल सेल इसके अंदर चला आता है, ये कॉर्टिकल सेल देखो इस तरीके से, तो ये जो बीच में जो पोर्शन देख रहे हो ये कॉर्टिकल सेल इन करता है, तो ये क्या है, कॉर्टेक्स का ही सेल है, तो इसको कहा जाता है, देख लो कॉलम ऑफ ब्रिटेनी, कोई साइंटिस्ट होगा उसी के नाम पे कॉलम ऑफ ब्रिटेनी, समझ में आ रहा है मेरी बात क्या हम बोल रहे हैं, क्या बोलोगे, कॉलम ऑफ ब्रिटेनी, या इसी का एक नाम और है रीनल कॉलम, जो बोलो, या तो रीनल कॉलम बोलो या कॉलम ऑफ ब्रिटेनी, अब देखो यहां पर क्या होता है, ये मेडुलरी पैरामिड जो देख रहे हो तो क्या होता है, इससे एक छोटा छोटा ट्यूब निकलता है इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से छोटा छोटा ट्यूब निकलता है, इसी ये स्मॉल जो ट्यूब देख रहे हो इसको कहा जाता है माइनर कैलिक्स, अगर एक है प्लूरल में लोगे तो माइनर कैलिसेस हो जाएगा, और ये जो देख रहे हो छोटा छोटा ट्यूब आके क्या हुआ बड़ा ट्यूब बन जाता है, तो इसको कहा जाता है मेजर कैलिक्स, ठीक है, और ये जहां पर मिलता है तो इसको कहा जाता है रीनल पेल्विक, और इस यही रीनल पेल्विक से देखो इस तरीके से क्या निकल गया, ये यूरेट्रा, और यही यूरिन यहां से देख लूंगा, तो ये जो माइनर कैलिक्स देख रहे हो तो यहीं से यूरिन निकलता है, ये यूरिन देखो इस तरीके से कलेक्ट करके कहां दे दिया, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स कहां दिया, रीनल पेल्विक, रीनल पेल्विक किसको दे दिया, यूरेटर को, यूरेटर से कहां चला देगा, यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर से थ्रू द यूरिथ्रा क्या होता है पास आउट हो जाता है, समझ में आया मेरी बात, तो यहां पर देखो ध्यान से देखोगे डायग्राम तो ये जो पोर्शन देख रहे हो क्या है, ये कॉर्टेक्स है, ये जो देख रहे हो ध्यान से देखो ये पोर्शन क्या है, ये मेडुलरी पैरामिड, ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो देख रहे हो उसको क्या बोलोगे, कॉलम ऑफ रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ ब्रिटेनी, और हर ये से देखो एक ट्यूब निकलता है तुम्हारा, तो उसको माइनर कैलिक्स कहा जाता है, वो ट्यूब फिर एक बड़ा ट्यूब बनाता है, तो दैट इज नोन एज मेजर कैलिक्स, वो मेजर कैलिक्स कहां आएगा, ओपन होगा रीनल पेल्विक, रीनल पेल्विक कहां से देखो यूरेटर के थ्रू, वो सुसु क्या होता है यूरिन आपका बाहर चला आता है, समझ में आया, तो ये तुम्हारा किडनी का स्ट्रक्चर है, बोलो क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया किडनी का स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत, अब यहीं पे थोड़ा सा जानो देखो क्या होता है,
इज कॉर्टेक्स को ही आइए मेडुला। अब देखो सवाल ये पढ़े हो, किडनी क्या होता है? किडनी इज नथिंग, इट इज कंपोज्ड ऑफ ए मिलियंस ऑफ द ट्यूब्यूल। एक किडनी में मोर और लेस 1 मिलियन जो है वो ट्यूब्यूल होता है, या उसको कह सकते हो 10 लाख ट्यूब्यूल्स होता है, और उस एक ट्यूब्यूल का नाम क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज नथिंग, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। तो वो आगे हम बताएंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो उस नेफ्रॉन का मेजर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। पढ़ोगे ये देखो, देखो ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का क्या होता है, मेजर पार्ट जो होता है वो कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है। कुछ केस में क्या होता है कि उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, डीप हो जाता है तुम्हारा मेडुलर रीजन में। तो इस आधार पे नेफ्रॉन को 2 भाग में बांटा है। एक कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है कि उसका जो लूप ऑफ हेनले, बताएंगे लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वो थोड़ा सा ही अंदर जाता है मेडुलरी कैप, ये मेडुलरी पैरामिड्स में। मेजर पोर्शन कहाँ होगा, कॉर्टेक्स में। कुछ में क्या होता है कि डीपली वो लूप ऑफ हेनले क्या कहाँ चलाता है, मेडुलरी पैरामिड्स में, ठीक है। तो इस आधार पे नेफ्रॉन को क्या किया है, 2 भाग में बांटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सो पहले बताओ। बोलो, हाँ कौन है, हाँ परिणीता, क्या दिक्कत है, बोलो बेटा। नहीं बताएंगे वो मेंस और वो कैपिलरी का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे फिल्ट्रेट होता है, बताएंगे जब यूरिन फॉर्मेशन बताएंगे ना बेटा, तो उसमें हम तुमको ये पूरे डिटेल बताएंगे, ठीक है। जैसे देख लो ना, सपोज करो मान लो ये क्या है, मेडुलरी पैरामीटर। तो हमने क्या बोला कि कुछ ही पोर्शन नेफ्रॉन का इसके अंदर आता है। कुछ केस में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये बोमेंस कैप्सूल का मेजर पोर्शन इसके अंदर आ जाता है। तो थोड़ा सा पोर्शन, तो वैसे नेफ्रॉन को क्या बोलोगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो कुछ में क्या होता है, डीपली आ जाता है, तो उसको कहा जाता है, देख लो क्या बोलोगे, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, याद रखना। तो इस तरीके से देखो नेफ्रॉन को 2 भाग में बांटा हुआ है कि उसका जो पोर्शन है वो मेडुलर रीजन में कितना जाता है, कितना डीप होता है, उस आधार पे। तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये 85% होता है, और ये मात्र तुम्हारा क्या होगा, 15%। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है, तुम्हारा कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन
ऑफ यूरिन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, हम ये ऑलरेडी पहले स्लाइड में बता चुके हैं। अब देखो यहां पर एक डायग्राम हम दिखाए हुए हैं तुमको, देख लो क्या होता है। ये रीनल वेन है और ये क्या है तुम्हारा, आर्टरी है। तो किडनी में क्या होता है, आर्टरी इन करता है। अब जैसे सपोज करो ये मान लो ये किडनी है, देख लो ये आर्टरी आया ऐसी, देख लो तो किडनी में घुसेगा तो इसको क्या बोलोगे, रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी क्या होता है, दे डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ द ट्यूब्यूल्स, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होता है काय के लिए। तो अब कितना ट्यूब्यूल बनाएगा, वही ट्यूब्यूल क्या होता है, दैट इज नोन एज कैपिलरी। हमेशा याद रखना, आर्टरी या वेन से ब्लड का डिफ्यूजन नहीं होता है, जब भी होगा तो कैपिलरी से होता है। कैपिलरी में ही एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल होता है तुम्हारा सेल और ब्लड के बीच में, आर्टरी से नहीं होगा। तो ये आर्टरी क्या होता है, यहां पर डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ कैपिलरीज। तो कितना कैपिलरीज बनाएगा जल्दी बताओ। तो हमने क्या बोला कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, तो 10 लाख कैपिलरी बनेगा और हर नेफ्रॉन में वो कैपिलरी जो है इन करेगा। तो अब नेफ्रॉन का जो सेल है उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हर सेल को ऑक्सीजन देगा, तो वो ट्यूब्यूल फिर डिवाइड होते चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? और फिर लास्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके निकलेगा, तो वो क्या बन गया, रीनल वेन्यूल। और वही रीनल वेन्यूल जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक लंबा ट्यूब बन जाएगा। जैसे ये रीनल आर्टरी डिवाइड हुआ तो अंदर फिर वो रीनल वेन्यूल बनेगा, फिर वो रीनल वेन होके क्या होगा, बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द रीनल कैपिलरीज, आर्टियोल जो बोलते हो, कितना आर्टियोल होगा, तो 10 लाख होगा, क्योंकि 10 लाख नेफ्रॉन है। समझ में आया? तो देखो यहां पर क्या दिखाया है कि ये देखो ये रीनल आर्टरी है, देखो ये ब्लड लेके आ रहा है। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन है, इसी में तुम्हारा यूरिया है या ऑस्मोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब वो देख लो इन किया, देखो यहां पर अब ये डिवाइड होते जा रहा है, देख लो हर की क्या हो रहा है, जितना नेफ्रॉन सब मिल जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है तुम्हारा। अगर ब्लड में सपोज करो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिल्टर वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है। अब यहां पर फिल्ट्रेशन होके फिर वही आर्टियोल क्या करेगा, तुम्हारा एक जगह इकट्ठा होके फिर वो वेन्यूल बनाता है और वेन होके देखो ये निकल गया, तो ये रीनल वेन हो गया। तो ये फिल्टर्ड ब्लड आउट हो गया, ये अनफिल्टर्ड ब्लड जो है इन कर रहा है किडनी में, और वही जो लास्ट में बचता है तुम्हारा तो वो क्या होता है, यूरेटर के थ्रू यूरिन के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे, देख लो एक डायग्राम हम दिए हुए हैं नेफ्रॉन का, तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कैसे नेफ्रॉन होता है।
देखो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है आपका, तो ये जो कपलाइक स्ट्रक्चर देखते हो तो इसी को क्या बोलते हो, बोमेंस कैप्सूल। और ये देखो कपलाइक स्ट्रक्चर, फिर देखो ये इंड होता है एक ट्यूब्यूल के रूप में, तो देख लो ये ट्यूब्यूल जो बनता है इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हो, रीनल ट्यूब्यूल। अब ये दो तरह का ट्यूब्यूल होगा, देखो ये क्या होता है, फोल्डेड होता है। तो आप पढ़े हो कोई भी ब्लड वेसल्स जितना ज्यादा फोल्डेड होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो ये जो देख रहे हो ये ऐसे निकला, तो इसी को कहा जाता है पीसीटी, देख लो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या सिंपल वे में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। कॉन्वोलेटेड मीन्स से होता है तुम्हारा फोल्डेड, कॉन्वोलेटेड मीन्स होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा फोल्डेड होगा क्या होगा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। माने कोई ट्यूब्यूल है सपोज करो, और ये इस तरीके से देख लो ये फोल्डेड है, तो आप देखो ना इसको खींचो ना तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉन्वोलेटेड, ठीक है। फिर देखो ये जो देख रहे हो इसको कहा जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और एक जो ये यू शेप जो ट्यूब देख रहे हो इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेल, लूप ऑफ हेल। इसको शॉर्टकट में देखो एल ओ एच बोला जाता है। अब ध्यान से देखना लूप ऑफ हेल में देखो, एक ऐसे ट्यूब आया तो नीचे की ओर आ रहा है तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, फिर देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब देख लो ये रीनल आर्टरी ऐसे आता है, यहां देख लो अब फिर ये देखो निकलता है इस तरीके से, तो ये जो आता है इसको कहा जाता है एफरेंट रीनल आर्टियो, या शॉर्टकट में इसको बोल सकते हो एफरेंट ब्लड वेसल्स। और देखो ये फिर निकल जाता है ये ऐसे, देख लो इसको बोला जाता है इफरेंट ब्लड वेसल, या इफरेंट रीनल आर्टियोल, जो भी बोलना है बोलो इसको। अब देखो यहां जो ये बोमेंस कैप्सूल में जो ये आर्टियोल होता है इसी को क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलस, क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलस। अब यहां पर देखो ये ग्लोमेरुलस, अब फिर देखो ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद देखो अब ये हर ट्यूब्यूल को ये देगा इस तरीके से, देखो आगे बढ़ेगा ये ब्रांच बनाएगा, फिर देखो इसको देगा, फिर ऐसे देखो ये मुड़ेगा ऐसे लूप ऑफ हेनले। अब यहां पर ये देखो ये जो आर्टरी सब आर्टियोल्स हर सबको, यहां पर सेल है ना भाई तो सबको ऑक्सीजन चाहिए ना, अब देगा। और ये आगे आके क्या होता है, ये एक तरीका से जुटते हुए ये फिर रीनल वेन के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया, ये क्या हो गया रीनल वेन। समझ में आया मेरी बात, तो ये जो इफरेंट ब्लड वेसल्स जो बोलते हो ग्लोमेरुलस के बाद जो बाहर निकलता है तो इसको कहा जाता है प्री ट्यूबुलर आर्टरी, इसको कहा जाता है। तो ध्यान से देखो यहां पर, देखो यहां पर डायग्राम दिए हुए, देखो ये आया, देखो ये कैपिलरी बनाया, देखो ये निकला, तो ये क्या हो गया एफरेंट ब्लड वेसल्स, ये इफरेंट। अब देख लो ये इफरेंट देखो एक नेटवर्क बनाता है इस तरीके, क्यों, क्योंकि हर ट्यूब्यूल में सेल है ना भैया, तो सबको चाहिए ना ऑक्सीजन, एक्सचेंज करेगा ना। और इस तरीके से देखो ये लूप ऑफ हेल पे देखो किस तरीके से ये बना, देखो ऐसे आया
ऐसे देखो ये, आइए देखो, अब फिर देखो ये क्या हो गया, ये वेन देख लो, ये वेन्यूल, आइए रीनल वेन होके देखो ये बाहर निकल गया। तो यही है रीनल वेन, सबसे कम यहां पर क्या होगा, यूरिया होगा, क्योंकि यूरिया यहां फिल्ट्रेट हो जाता है। ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, और यही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां खुलता है, तुम्हारा ओपन होता है माइनर कैलिक्सो मेडुलरी पैरामिड्स में, हमने आपको बताया था। समझ में आया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर? तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना, अब देखो यहां पर क्या होता है, ये यहां पर कैपिलरी बनाया, ये निकला, तो ये हो गया ग्लोमुलस। अब देखो ये इस तरीके से ट्यूब बनाते चला जाता है। अब यहां देखो हमने क्या, ये आप सपोज करो ये LOH क्या लूप ऑफ हेनले, तो देख लो ये लूप ऑफ हेनले का एक आर्म हो गया, ये दूसरा, तो इसको क्या बोलोगे, डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग आर्म हो गया, और ये क्या हो गया, एसेंडिंग आर्म। अब देखो क्या होता है, ये फिल्टर्ड होके देखो ऐसे, देखो इसका कैसे है, देखो अब देखो ये नीचे की ओर आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, फिर देखो ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये जो आर्टियोल है, देखो ये ऐसे आता है, देखो ऐसे, और यहां पर देखो ऐसे करके ये वेन बनता है। तो अब इस ब्लड में जो फ्लो है देख लो, तो अब ये जो लूप ऑफ हेनले पे जो नेटवर्क बनता है तुम्हारा, इसी को रीटा वेस्टा कहा जाता है, या भाषा रेक्टा, जो भी बोलो, व्हाट एवर। तो देख लो अब यहां पर भी देखो ये यू शेप ट्यूब बना, तो अब ये आया, ये हो गया डिसेंडिंग, ये देखो ऊपर एसेंडिंग, देखो यहां पर डिसेंडिंग है तो ब्लड क्या हो गया, एसेंडिंग, यहां पर एसेंडिंग है तो ब्लड क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया। तो ये जो दोनों में जो फ्लो होता है, एक तुम्हारा वो नेफ्रॉन में और एक ब्लड वेसल्स में, तो ये जो फ्लोज होता है इसी को कहा जाता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ये समझोगे, समझ में आया स्ट्रक्चर, क्या क्या याद करना देख लो। ये जो कैपलरी जो बनाता है, रीनल कैपलरी जो होता है, तो मोर और लेस कितना बनेगा, 10 लाख, तो 10 लाख वेन्यूल भी बनेगा, और वो वेन्यूल आगे जाके क्या बन जाएगा, रीनल वेन, ठीक है। ये रीनल आर्टरी जैसी किडनी में इन करता है तो वो डिवाइड हो जाता है तुम्हारा ब्लड कैपिलरीज में, तो वो एफरेंट और इफरेंट के रूप में क्या होता है, और फिर वो मिलके क्या बना देता है, वेन बना देता है। ये समझ में आया, बोलो, इतना आपको इसमें पढ़ना था, बोलो कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो ये तुमको इतना जानना जरूरी था, इसके बाद जो बताएंगे यूरिन फॉर्मेशन, तो वो थोड़ा सा डिटेल में जानोगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसमें 3 प्रोसेस होता है, बताएंगे बेटा। और सब ठीक है, बाय।